वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो कल जब मैंने अपनी इनकम रिवील करी थी इंस्टाग्राम में, तो यार आप में से काफी लोगों को लगा कि मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ। तो यार ऐसा नहीं है, मैंने सच में इंस्टाग्राम पर अपनी सारी इनकम रिवील करी थी। मैंने वो स्टोरीज इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में ऐड कर दी है, ताकि जिनको लगा था कल कि मैं मजाक में सब कर रहा हूँ, मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ, तो वो आज जाके देख सको और एक मोटिवेशन आप में बनी रहे। तो मेरी टोटल यूट्यूब अर्निंग इंस्टाग्राम पर है, देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मैक्सटन के साथ। तो फाइनली मैक्सटन का इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। हमारी अगली न्यूज रिलेटेड है स्काउट और गॉड निक्सन को लेकर के। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों प्लेयर्स का सुपर कोलैब आने वाला और कुछ सरप्राइज के साथ। तो बेसिकली इनका इंटरव्यू ही वो सरप्राइज था जिसके बारे में इतना सस्पेंस था, और इनका इंटरव्यू हुआ होम ग्राउंड इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर स्काउट से सबसे पहले पूछा गया कि वो ई स्पोर्ट्स में एंटर कैसे हुए। तो स्काउट ने कुछ ये बताया। सो बेसिकली मैं एक सॉकर प्लेयर था, सो आई यूज टू प्ले सॉकर अ लॉट और मैं प्रोफेशनली भी खेलता था। सो इंजरी हुआ पहले, तो 6 मंथ्स का बेड रेस्ट था, तो वही यार कुछ करने के लिए था नहीं, मोबाइल था तो सही ग्राइंड करो, कुछ भी जो भी गेम है ग्राइंड करो। तो पबजी पीसी आया था, तो पबजी पीसी मेरे को खेलने का बहुत शौक था, तो वहां से मैं पबजी मोबाइल पे वो गेम उन लोग ने लॉन्च किया, फिर पबजी मोबाइल में खेलने लगा, फिर वहां से मैंने कम्पिटिटिव ट्राई किया अपना कि यार मेरे को बेस्ट बनना है। तो वहां से मैं ट्राई करते गया, लाइक दूसरे कंट्री के प्लेयर्स से मिला, फिर वहां पे पता चला कि उनके कंट्री में टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर हमारे कंट्री में होना चालू हुआ। तो इस स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स में एंटर किया, नाउ आई एम हियर थ्रू पबजी मोबाइल। इसके बाद उनसे पूछा गया कि वो कौन सी की स्किल्स है जिसपे वो हाईली फोकस करते हैं। सो ये क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन बिकम एन ई स्पोर्ट्स एथलीट। सो यार ई स्पोर्ट्स एथलीट वही एक एथलीट है जो दूसरे स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, सेम ही है, बस डिफरेंस इतना ही है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, बाकी लोग उसको फिजिकल प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं। सो यार सेम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क, सेम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, एंड मेन पॉइंट जो है इस चीज का वो है आपको नेवर गिविंग एटीट्यूड। आप जिस पॉइंट पे गिव अप कर रहे हो, मतलब समझ लो कि आप उस पॉइंट पे अपना जर्नी एंड कर रहे हो। सो यस, तो बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा सब लोग के लिए, आप अगर ई-स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहते हो तो यार आप ग्राइंड करो, एकदम जितना ग्राइंड कर सको उतना ग्राइंड करो, भले कोई भी गेम हो, ई-स्पोर्ट्स में इतने सारे गेम्स है, किसी भी गेम को पकड़ो, उसको ग्राइंड करो, नेवर गिविंग एटीट्यूड रखो, और एक सबसे मेन चीज है जो कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट इन योर गेम। फ्यूचर में ई-स्पोर्ट्स और फैनेटिक का क्या रोल है इंडिया में? इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स आई थिंक पबजी मोबाइल इज गोना बी सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट। सो यस, आई थिंक यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत बड़ा लीप लेने वाला है, और आई थिंक बहुत सारी जो बड़ी टीम्स है वो एक फ्रेंचाइजी बन जाएगी अभी कमिंग ईयर्स में, एंड आई एम श्योर कि फैनाटिक इज गोना प्ले अ ह्यूज रोल इन दैट, क्योंकि वो जो न्यू टीम्स बन रही है, न्यू ऑर्ग्स बन रहे, उनको बताएंगे कि एक प्रोफेशनल ऑर्ग ई-स्पोर्ट्स में कैसे काम करती है। सो यस, फैनाटिक इज गोना प्ले अ वेरी बिग रोल इन द कमिंग ईयर्स ऑफ ई-स्पोर्ट्स इन इंडिया। जो लोग ई-स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स। Okay, to become an esports athlete, you need to know the game completely, whatever game you pick. So, इस केस में मैं अभी पबजी मोबाइल की बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद पबजी मोबाइल का एथलीट हूँ। तो आपको पबजी मोबाइल के esports athlete बनने के लिए आपको उस गेम के इन एंड आउट पूरा A to Z नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, यू नीड टू बी टेक्निकली स्ट्रांग, आपको उस गेम के जो मैकेनिज्म है उसको कम्प्लीटली रखना पड़ेगा, फर्स्ट चीज है esports athlete के लिए। और जो मेन चीज है जो आपको नेवर क्विटिंग एटीट्यूड वो आपको रखना ही है अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स एथलीट करने होने वाले हो, क्योंकि आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन होने वाले हैं और आपको ग्रेजुअली बहुत लंबा जर्नी जाना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी हैविंग अ नेवर गिविंग एटीट्यूड इन योर जर्नी ऑफ ई-स्पोर्ट्स एथलीट। इसके साथ गॉड निक्सन से भी सवाल पूछे, जहां उनसे ये पूछा कि कंटेंट का क्या रोल है ई-स्पोर्ट्स में। तो इम्पोर्टेंस ई स्पोर्ट्स में कंटेंट की है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो अच्छा, तो कुछ लोग उससे कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बनाता हूँ, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं कहीं से भी सीख मिल जाती है, टिप्स एंड ट्रिक्स देखे कोई कहीं पर काम आ जाती है। और एक बात कि वो आपको एक अलग पहचान देता है, कि जैसे कि मैं बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स से जाना जाता हूँ क्योंकि मैं पबजी मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स बनाता हूँ, तो अगर कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ तो आपको भीड़ से अलग बंदे पहचानेंगे आपके कंटेंट की वजह से,
तो यस। हमारी अगली न्यूज रिलेटेड है लाइव इंसान को लेकर के। तो रिसेंटली लाइव इंसान ने अपना ओपिनियन दिया वेरियस स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर। तो उनका एक ओपिनियन मैं आपको दिखा देता हूं और पूरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, मुझे एक नाम पता है जो मैं अगर नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे तुझे इनका नाम नहीं पता। सोल की टीम का मेरे को नाम पता है बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक मेरे को किसी भी टीम का नाम पता। हमारी अगली न्यूज रिलेटेड है क्लैश रॉयल के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सुपरसेल क्लैश रॉयल से कोई कार्ड रिमूव करके उसकी जगह न्यू कार्ड रिप्लेस कर रहा है। तो आने वाले अपडेट में हमें हीलिंग स्पेल की जगह न्यू कार्ड हीलिंग स्प्रेड देखने को मिलेगा। हमारी अगली न्यूज रिलेटेड है सोल अमन को लेकर के। तो रिसेंटली सोल अमन का जो चैनल है वो दोबारा हैक होते होते बचा, जहां पर उनको एक बंदा एक चार्ट बना के भेजता है उनके पीसी पर, लेकिन सही टाइम पर उनका एंटीवायरस वायरस डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उनका चैनल हैक होते होते बच जाता है। तो सोल अमन इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं वो आप देख सकते हो। सबसे पहले एक फैन ने मतलब एक पूरी शीट बनाई है वर्ड में कि हम कैसे कैसे मरे, मतलब एक ग्राफ बनाया, फिर उसमें मैप का रोटेशंस बताया हम ऐसे मरे हैं। भाई गलती उसने बनाई है, पूरी समरी बनाई है। हाँ, BMPL डे 6 एंड डे 5, हाँ जितने भी मैचेस थे ये समरी बना के भेजी। थैंक यू सो मच सबसे पहली बात। पर उसके साथ जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो मेरे एंटीवायरस ने एक वायरस डिटेक्ट किया उस फाइल के साथ, जो कि उसने स्क्रिप्ट पीछे लगा रखी थी वर्ड में, तो वो उसने पकड़ ली। तो फिर मैंने उसको मेल किया और उसको गाली दी। आप देखते हैं वो आगे से क्या बोलता है। मतलब फिर से मेरा ये चैनल हैक होने जैसा हो सकता था। हमारी अगली न्यूज रिलेटेड है रेजर ब्लेड को लेकर के। तो रेजर ब्लेड ने ड्रीम हैक 2019 का व्लॉग रिसेंटली अपलोड किया, जहां पर उनकी मुलाकात स्काउट और रोस्टिंग गुरु से एक साथ हुई थी। तो उस व्लॉग का छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं। पूरी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुरु भाई क्या हाल है? अरे जा रहे हो क्या? आ रहे हैं यार। ब्रदर क्या हाल है? गुरु भाई हमारी लास्ट न्यूज रिलेटेड है स्काउट को लेकर के। तो ये बात कल की है जब स्काउट कस्टम खेल रहे होते हैं फेनेटिक के साथ। तो फेनेटिक जब वाइप आउट होती है तो ओवेश और स्काउट डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्काउट अपने दूसरे कस्टम में अपने स्लॉट पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके टीममेट्स में से कोई भी नहीं आता है ज्वाइन करने। यहाँ पर स्काउट को काफी बुरा फील होता है। तो आप देख सकते हो क्या कुछ होता है। भाई मुझे एक सिंपल सवाल बताओ, क्या मैंने आज किसी को गाली दिया या फिर किसी को भी ब्लेम किया? कल इसका आंसर जानना है। इसके बाद स्काउट जब क्लासिक खेल रहे होते हैं तो ऑन स्ट्रीम वो इमोशनल हो जाते हैं, जहां पर अब यार मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देख लो क्योंकि ये काफी इमोशनल मोमेंट था। इसके बाद मॉर्टल का स्काउट के पास मैसेज आता है, जहां पर स्काउट उनको ये कहते हैं कि उनको पहली बार बुरा लगा। फिर मॉर्टल का फोन आता है स्काउट के पास, जहां स्काउट मॉर्टल को ये कह देते हैं कि वो बाद में सब बात करेंगे। तो आप देख सकते हो वो सीन भी। हाँ हेलो स्काउट सर। हाँ भाई क्या रे? मैं कॉल करता हूँ रे, मतलब कुछ नहीं, बस थोड़ा आज है सीन में तो बताता कॉल करके अलग से, ठीक है? मेरा मूड आते बहुत एकदम यस। डैनी थैंक्स फॉर द 100 भाई। तेरी और स्काउट ड्रीम टीम कौन सी होगी? आज कुछ ज्यादा मतलब समझ ले कि भाई अलग ही सीन है आज। चल चल तो कॉल के समझाते, ठीक है? हां भाई चल। राज भाई थैंक्स फॉर द 50 ब्रो। यू एंड स्काउट आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। वैसे कल ये सारे मोमेंट देख करके यार मेरा मन बहुत खराब सा हो गया था। आई विश यार कि सच में फेनेटिक और स्काउट के बीच जो भी चल रहा है वो सब कुछ परफेक्ट हो जाए। खैर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए रैक्स साइनिंग ऑफ।